तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देखिए, जहाँ एरो डिनोट किया जा रहा है वहां देखिए रेड फ्लेम जल रहा है। ओ भाई रेड फ्लेम तो बुझ गया, और अब थोड़ा देर में देखिए यहाँ ग्रीन फ्लेम जलने लगा, देख सकते हैं आप ग्रीन फ्लेम जलने लगा और फिर से अब देखिए रेड फ्लेम जलने लगा। तो फ्री फायर गेम में ये नया फंडा क्या है, तो आइए इस फंडे को जानते हैं, रेड फ्लेम और ग्रीन फ्लेम की मिस्ट्री को सुलझाते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, तो आज के दिन यानी कि 9 नवंबर के दिन फ्री फायर गेम में एक इवेंट आया है, मतलब अगर आप लोग 100 डायमंड का टॉप अप करते हैं तो आपको फ्री में ये कैरेक्टर यानी कि लूना कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको लूना कैरेक्टर का बंडल भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, आपको सिर्फ 100 डायमंड का टॉप अप करना होगा। तो मैंने तो टॉप अप कर लिया है, तो चलिए हम लोग क्लेम कर लेते हैं लूना कैरेक्टर और लूना कैरेक्टर के बंडल को। तो हम क्लेम कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। तो मैंने लूना कैरेक्टर ले लिया 100 डायमंड को टॉप अप करने के बाद। तो अब हम लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करते हैं कि लूना कैरेक्टर को जो है ना मैक्स लेवल का कर लेते हैं, क्योंकि लूना कैरेक्टर अभी एक लेवल का है, इसको जो है ना जल्दी जल्दी अपग्रेड करते हैं और मैक्स लेवल का कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे कि लूना कैरेक्टर की एबिलिटी को जानेंगे कि लूना कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है, वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि लूना कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है। उसके बाद जो ग्रीन लाइट रेड लाइट की मिस्ट्री है वो पूरा 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने लूना कैरेक्टर को मैक्स आउट लेवल यानी मैक्स लेवल का कर लिया है। मैक्स लेवल करने के बाद लूना कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है कि 8% जो है ना गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाएगा और 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ाएगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कब और कैसे लूना कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क करती है, मतलब कब 8% गन का रेट ऑफ फायर बढ़ाता है, कब 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, ये सब पूरा ही प्रैक्टिकली पूरा डिटेल के साथ जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, जब ये रेड लाइट जल रहा है, आप यहाँ नीचे देखिए रेड लाइट जल रहा है, तो यहाँ पर गन का रेट ऑफ फायर को ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रेड लाइट गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देता है, ठीक ना। उसके बाद जब यहाँ देखिए ग्रीन लाइट बढ़ रहा है, तो मतलब गन का रेट ऑफ फायर को अभी नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, घटाएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, और एट द टाइम जो है ये मूवमेंट स्पीड को 15% बढ़ा देगा। तो मतलब समझ गए, रेड लाइट रहेगा तो 8% बढ़ जाएगा मतलब रेट ऑफ फायर गन का, और जब ग्रीन लाइट हो जाएगा तो मतलब 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए कब ग्रीन लाइट होगा, रेड लाइट तो नॉर्मल हमेशा जलता रहता है, लेकिन ग्रीन लाइट कब होता है, जब आप एक इनिमी को मारने के बाद दूसरे से जैसे फाइट कीजिएगा या दो इनिमी से फाइट कीजिएगा, तब आपका ये ग्रीन लाइट जलेगा, तभी रेट ऑफ फायर नहीं बढ़ेगा, तभी मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ मेरे सामने एक इनिमी है, इसको मैं फिनिश करता हूँ, ठीक, मार दिया, अभी कोई लाइट नहीं जल रहा है। अब लेकिन जैसे दूसरा इनिमी से फाइट स्टार्ट किया, देखिए दूसरा इनिमी से फाइट स्टार्ट किया, या देखिए ग्रीन लाइट जल गया, ठीक ना, आप देख सकते हैं। तो मतलब समझ गए ना, आप जब एक साथ दो बंदा से फाइट कीजिएगा, तो एक को अगर मार दिए तो दूसरा से जैसे फाइट स्टार्ट कीजिएगा, तो वहां पर आपका मूवमेंट स्पीड 15% तक बढ़ जाएगा, ठीक ना, और ये लगभग 5-6 सेकंड तक बढ़ा हुआ रहेगा आपका मूवमेंट स्पीड। तो 15% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छा है, मतलब इस कैरेक्टर को पता है कि कब मूवमेंट स्पीड बढ़ाना है और कब रेट ऑफ फायर बढ़ाना है। मतलब आप सिंगल बंदा से फाइट कीजिएगा तो आपका गन का रेट ऑफ फायर जो है 8% बढ़ जाएगा, और जैसे ही पहला बंदा का फिनिश कीजिएगा, दूसरा बंदा से फाइट करने जाइएगा, तो वहां आपका मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक ना। इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं। तो हम लोग न्यू लूना कैरेक्टर को लेकर के कस्टम के अंदर आ गए। तो यहां पहला बंदा को हम फिनिश कर दिए, पहला बंदा को फिनिश कर दिए, पहला बंदा को मार दिए, और यहां जो मेरा फ्रेंड है वो दौड़ना स्टार्ट किया, और दूसरा बंदा को जैसे हम डैमेज देते हैं, यहां देखिए ग्रीन लाइट जल गया, मतलब मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ गया। तो यहां गैप भी देख लीजिए, हम दोनों के बीच कितना गैप है, लूना कैरेक्टर और मेरे फ्रेंड के बीच कितना गैप है, ठीक ना। और यहां मैं वीडियो को पूरा स्लो कर देता हूं, और देखिए जब लूना कैरेक्टर दौड़ रहा है तो इस गैप को धीरे धीरे कम कर रहा है, क्योंकि यहां ग्रीन लाइट जल रहा है, तो लूना कैरेक्टर का 15% मतलब मूवमेंट स्पीड बढ़ा हुआ है। और लास्ट टाइम में आप देखिए, लास्ट टाइम में लगभग बराबरी कर लेता है। तो आपको पता चल गया कि लूना कैरेक्टर का जैसे ग्रीन लाइट जला और 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा, और कब ग्रीन लाइट जलेगा, जब वो मतलब एक से ज्यादा इनिमी से फाइट करेगा, नॉर्मली एक इनिमी से फाइट करेगा तो ग्रीन लाइट नहीं जलेगा। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि लूना कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इसको पता है कि कब रेट ऑफ फायर बढ़ाना है और कब मूवमेंट स्पीड बढ़ाना है। तो मैं आपको रेट ऑफ फायर के ऊपर भी टेस्ट करके दिखा देता हूं कि किस तरह से रेट ऑफ फायर बढ़ाता है लूना कैरेक्टर। तो नॉर्मली अगर आप लूना कैरेक्टर का यूज करके ऐसे ही गन फायर कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ यूएसपी फायर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रेट ऑफ फायर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, हालांकि रेड लाइट जल रहा है, रेट ऑफ फायर बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता है रेट ऑफ फायर। जब आप इनिमी को मारिएगा तभी रेट ऑफ फायर बढ़ेगा, ठीक ना, आप इनिमी को जब गोली हिट कीजिएगा तभी लूना कैरेक्टर का रेट ऑफ फायर बढ़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। तो यहाँ पर तीन स्क्रीन है, ठीक ना, पहला स्क्रीन में लूना कैरेक्टर नॉर्मल फायर करेगा, किसी इनिमी को नहीं मारेगा, और बीच वाला जो स्क्रीन है इसमें
इनिमी को हिट करेगा। और राइट साइड वाला जो स्क्रीन है वहां पर लूना कैरेक्टर का ग्रीन लाइट जला हुआ है, ठीक ना। अब तीन अलग अलग सिचुएशन है, यहां पर देखते हैं किसका मतलब रेट ऑफ फायर ज्यादा है। तो यहां आप देखिए तीनों का देखिए एक साथ गन फायर करना स्टार्ट करेगा। आप सिर्फ गौर से देखिए तीनों एक ही साथ गन फायर शुरू किया है, ठीक ना, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही साथ गन फायर किया है। अब देखिए कौन जल्दी रिलोड करता है, मतलब जिसका रेट ऑफ फायर ज्यादा रहेगा वही जल्दी रिलोड करेगा। अब सिर्फ यहां पर बीच वाला स्क्रीन पे देखिए सबसे पहले रिलोड हो गया, ठीक ना, सबसे पहले। तो मतलब समझ गए, इनिमी को मारा तो जल्दी जल्दी रेट ऑफ फायर हुआ, गन का गोली खत्म हो गया। लेफ्ट और जो राइट साइड है दोनों लगभग में इक्वल टाइम पे ही मतलब कि गन का गोली फिनिश करेगा। मतलब आप देख सकते हैं दोनों लगभग में इक्वल टाइम पे रिलोड किया है, ग्रीन लाइट वाला और नॉर्मल वाला जो इनिमी को नहीं मार रहा है, दोनों ही एक ही साथ मतलब कि रेट ऑफ फायर खत्म किया, मतलब कि गोली फायर करना खत्म किया। तो मतलब आप समझ गए कि लूना कैरेक्टर जब किसी इनिमी को मारेगा तो गन का रेट ऑफ फायर 8% बढ़ जाएगा, वही जब एक इनिमी को मार देगा उसके बाद दूसरे से अगर तुरंत फाइट करने चले गया तो वहां पर लूना कैरेक्टर का ग्रीन लाइट जल जाएगा और वहां पर 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कब रेट ऑफ फायर बढ़ेगा, कब मूवमेंट स्पीड बढ़ेगा लूना कैरेक्टर का। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब।